चलान आती है? ठीक हो गया हाँ हरि बोल। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला ब्रह्मिष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला ब्रह्मिष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी के चरण में मेरा यथा जो धूल पना को नहीं बीन सकते हो, जीव को ही वैसे भीड़ नहीं सकते। किसी सौभाग्यवान को ये मानव शरीर प्राप्त होता है, इसलिए यदि मानव शरीर में अगर करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई सौभाग्य उदय हो तभी जीवन में साधु संग और भगवत भक्तों का दर्शन मिलता है। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे महाप्रभु एक प्यार को उच्चारण किया है, क्या प्यार था याद है? कहते ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद गाये भक्ति लता। इसलिए भगवान को भूल करके हम ये 84 लाख जीवी में भटक रहे हैं। भटकते भटकते अनजान में बा जान करके कभी कभी हम भक्ति उन्मुखी सुकृति हमारा उदय होता है। मतलब भक्ति उन्मुखी सुकृति मतलब कल हम सुन रहे थे 3 चीजें, एक पाप है और एक पुण्य है और एक है सुकृति। पाप और जो पुण्य ये दोनों नष्ट हो जाता है भोगा करके। पाप नरक भोग कर आएगा, दुख कष्ट भोग कर आएगा, पुण्य स्वर्ग ले जाएगा, नहीं तो ब्रह्म लोक तक तुम्हें ले सकता है। कुछ न करोगे कहाँ तक जाओगे? ब्रह्म लोक तक भी जा सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर किसी जगत में फिर वापस आना पड़ेगा। फिर यही जन्म मृत्यु का चक्कर में भटकते रहोगे। जन्म मृत्यु का चक्कर से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन कहते कौन भाग्यवान जी, कोई विरल जो भाग्यवान है, कहते वो कौन है जो पूर्व पूर्व जन्म में जो भक्ति उन्मुख सुकृति दिया, कभी गुरुदेव के लिए, कभी साधु के लिए, नहीं तो कभी भगवान के लिए है। क्योंकि जो पाप पुण्य ये शरीर संबंधी है, जैसे ये शरीर नष्ट हो जाती है कहते पाप पुण्य भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जो सुकृति है ये भगवान एवं भक्त, अगर इन्हीं को उद्देश्य करके अगर तुमने कुछ किया हो जिसको कहते हैं सुकृति, और इसका फल क्या है? बोल इसका फल है भक्तों का दर्शन। भक्तों का दर्शन इसका फल है, भक्तों का दर्शन है। इसलिए जब जीवन में भक्तों का दर्शन मिले, जैसे हम भागवत कथा सुन रहे हैं, एक दिन कृष्ण का बच्चे लोग खेल रहे थे, हठात उन्होंने देखा कुएं को अंदर में एक बहुत बड़ा गिरगिट फंसा हुआ और ऐसे फंसा हुआ निकल नहीं पा रहा है, श्वास भी नहीं ले पा रहा है। उनको बच्चों ने कोशिश की निकालने के लिए, जब निकाल नहीं पाए कृष्ण को जाकर के बोले पिताजी पिताजी इधर आओ। बोले क्या बात है? बोले देखो ये कुएं को अंदर में एक गिरगिट फंसा हुआ है। कृष्ण तो सब जानते हैं, कृष्ण जब उन्होंने चरण बढ़ाया, चरण स्पर्श होते ही उन्हें बड़ा सुंदर एक देवता रूप धारण, जब देवता रूप धारण किए कृष्ण का बच्चे लोग तो आश्चर्य में पड़ गए। ये क्या? कृष्ण सब जानते हैं,
तब भी अपना बच्चों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने प्रश्न किया, बोले महात्मा जी आप कौन हो, बोले प्रभु आप क्या नहीं जानते, लकड़ी निवासी आप सब जानते हो। आप लोगों ने सुने होंगे सत्य युग में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा नील। कृष्ण के बच्चे बोले ये तो एक पृथ्वी का सबसे बड़ा दानी था, कहते धूल कणा को कोई गिन सकता है, है? बारिश को बूंद को कोई गिन सकता है, लेकिन इनके पुण्य को कोई नहीं गिन सकते हैं। जिन्होंने ब्राह्मण को संकल्प करके जो गैया के बोले एक बछड़ा जन्म दिया, उसको फूल को चांदी में बढ़वा करके, सील को स्वर्ण में बढ़वा करके, पीठ के ऊपर मखमल बल कपड़ा उड़ा करके उन्होंने ब्राह्मण को उन्हें दान दिया, इतना दान दिया। बोलते फिर उनको ये दुर्गति क्यों हुई, बोले मेरे बीच में गड़बड़ी हो गई, मैंने जो गैया को संकल्प करके ब्राह्मण को दे दिया, वो गैया कैसे भूल से वहां से भागते हुए आया और जो और गैया उसको अंदर में मिल गया, मेरे को पता ही नहीं चला, अनजान में संकल्प करके फिर दूसरे ब्राह्मण को मैंने दे दिया। पहला दिन जिन ब्राह्मण को दिया था वो ढूंढते ढूंढते आ रहा था, उसने देखा उसी गैया को दूसरा ब्राह्मण लेकर जा रहा है, उसने कहा भैया महाराज कल मेरे को ही गैया दिया, बोले महाराज अभी अभी संकल्प करके मेरे को गैया दिया, अभी मेरी तेरी करते करते लड़ाई हो, हम दोनों बात पर अड़ गए, अड़ गए, लड़ते लड़ते राजा के पास में आए। राजा ने देखा मेरी गलती हो गई, क्यों, जिस चीज का आप संकल्प करके एक बार उसको दे दो फिर दूसरे बार आप उसको दे नहीं सकते। राजा प्यार में भी पड़े, तो एक काम करो कि गैया को छोड़ दो, इसका विनिमय में 10 गैया ले लो। लेकिन तो बात में अड़ गए थे ना, बोले नहीं हमें यही गैया चाहिए, बोले 100 ले लो, बोले नहीं हमें यही, बोले 1000, बोले यही, लाख, बोले यही, करोड़, बोले नहीं हमें यही गैया चाहिए। बोले फिर भी जैसे रंग बदलाते हो, एक बार दान दे करके फिर तुम दूसरा बार दान दे दिया, जा गिरगिट बनोगे। अब उसने उसको जब मृत्यु हुई, अभी जब महाराज के पास में गए, जब महाराज बोले से काफी खोलो कितने पाप पुण्य, बोले महाराज इसकी पुण्य का तो कोई सीमा नहीं, ये तो अक्षय स्वर्ग को भोग करेंगी, लेकिन बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी भी हो गई, ये गड़बड़ी हो गई, उसको पीछे बताओ तो पहले पाप लोगे ना पुण्य लोगे, बोले जब पाप थोड़ी सी पाप ही देखे पुण्य तो भोगना ही है। अभी उसने बोलते ही फिर गिरगिट बना, बोले कब की कथा, सत्य युग की कथा, ये कब की कथा, बोले द्वापर का अंतिम, बोले करोड़ों साल तक उसने गिरगिट बन कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा देते हैं ये जगत का जो पुण्य है ना, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं स्वर्ग जे पुण्य जे स्वर्ग धाम तार ना लयो नाम, पाप पुण्य दुई परिहरि, इसका मतलब है पाप भी मत करो पुण्य भी मत करो, ये दोनों को त्याग दो, ये पुण्य भी कभी कभी आपको बंधन में डाल देती है, दुख का कारण बनता है, है? दुख का कारण बन जाता है। इसलिए एक व्यक्ति जा रहा था नाम कुछ संत लोग जा रहे थे, एक सेठ था सबको एक एक रुपया दिया साधु, लेकिन देखा जब सबको एक एक रुपया दे रहा हूँ जो केवट था उसको भी एक रुपया दे दिया, साधु लोग तो उसी पैसा से क्या किया, भगवान के लिए फल फूल खरीद लिया, ठाकुर को भोग लगा, लेकिन उस केवट ने एक रुपया से क्या किया, जो मछली पकड़ते ना वो कांटा खरीद किया एक रुपया से और 1000 मछलियों को सुना, मरने का बाद विचार हुई पर इसका पाप किसको लेना पड़ेगा, वो सेठ को लेना पड़ेगा, वो सेठ को लेना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी ये जो जगत का जो कर्म है ये कभी कभी कर्म घोर बंधन में डाल देती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये पुण्य में मत फंसा करो और ये पाप में भी मत फंसा करो, दोनों ही उनको दुख देने वाले बंधन का कारण है। फिर तृतीय पंथा मुरारे, वैष्णव लोग तीसरे पथ को वैष्णव लोग ग्रहण करते हैं, वो क्या है, भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति।
भक्ति बोले इसका मतलब दुखी दरिद्र को कुछ देनी नहीं चाहिए, बोले दो महाप्रभु कंगाल भोजन कराया करते थे चैतन्य महाप्रभु, क्या दो बोले भगवान को प्रसाद अर्पण, भगवान को भोग लगाओ फिर उनको प्रसाद दो, इसमें उनका भी कल्याण है, वैसे खाना पीना मत दिया करो है, उनको भगवान का भोग लगा कर दो। इसलिए एक अधीर दोनों रास्ता को छोड़ो, जब तीसरे रास्ता पकड़ो वो क्या है भगवान की भक्ति, इसमें कभी गलती नहीं होती, जो चीज भगवान को साथ में जोड़ कर करोगे ना वो चीज में कभी पाप तुमको भोगना नहीं पड़ेगा। अभी प्रश्न है इनको फिर कृष्ण दर्शन कैसे मिला, पुण्य का फल तो कृष्ण दर्शन नहीं है, फिर इनको कृष्ण दर्शन कैसे मिला, यदि इनको स्वभाव में था सबको सेवा करना, ब्राह्मण को संतों को सेवा करना, एक दिन इनके घर में कोई एक शुद्ध साधु भी आए तो उन्होंने ये शुद्ध साधु को आसन देकर बैठाया, चरण धोए और उनको भगवान का प्रसाद उनको खिलाया, बोले आपको क्या चाहिए, कुछ चाहिए आपको, बोले एक चीज मेरे को दे सकते हो, बोले बताओ, बोले मेरे मन में इच्छा है भागवत पढ़ने की, मेरे को एक भागवत पुस्तक दे सकते हो, तब उन्होंने ताल पत्ते के ऊपर लिखवा करके 18,000 श्लोकों को उन्होंने संकल्प करके ब्राह्मण को दी। भागवत क्या है, कृष्ण स्वयं, कृष्ण स्वयं, तब वो रोज ये भागवत ग्रंथ को पढ़ते थे। उन्होंने जो एक बार एक शुद्ध साधु को भोजन कराया और एक भागवत ग्रंथ उन्होंने उनको अर्पण प्रदान किया, उसका फल क्या हुआ, क्या कृष्ण दर्शन, कृष्ण का चरण स्पर्श, जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए उनको मुक्ति मिली गई। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते हम जान अनजान में कहीं हमारी सुकृति बन गई है, अनजान में कहीं तुलसी परिक्रमा कर लिया, अनजान में किसी साधु को कुछ दे दिया, अनजान में भगवान का प्रसाद दे रहे थे भगवान का प्रसाद तुमने खा लिया है, कहीं भागवत कथा हो रही थी, भगवत हरिचर्चा हो रही थी, सत्संग हो रही थी, वहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन लिया है, यदि जो भगवान और भक्त संबंधी जो वस्तु है ना वो नित्य है, अगर वो काम अगर हमने कभी कर लिया तो उसको जरा क्या होगा, सुकृति होगी है, सुकृति सु मतलब उत्तम कृति है, तो अगर ये चीज तुम्हारी जन्म जन्मांतर से इकट्ठा हुई तो इसका फल क्या है, इसका क्या फल है, पाप पुण्य दोनों का फल तो खत्म हो गया, पाप भोगा करके पुण्य खत्म करके, बोले इसका फल क्या है, इसका फल है गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति बतानी है, तो इसका फल है शुद्ध साधु का दर्शन करने। इसलिए भागवत में बताए भवा अपवर्ग भ्रमे जदा जनस तहिर अचूत सत समागम, ऐसे संसार में भ्रमण करते करते जीव को जो पुण्य उदय होता है, पुण्य मतलब जब ये संसार का सारे बंधन तुम्हारी अभी समाप्त हो गई, तुमको और ये संसार में भटकना नहीं पड़ेगा, दुख कष्ट तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, अभी ठाकुर को पास में जाने का समय हो गया, फिर भगवत इच्छा से उसको क्या होगा, साधु का दर्शन मिलेगा है, साधु का दर्शन मिलेगा। लंका में पहुंच ढूंढ रहे थे मैया सीता का, मैया सीता का ढूंढ रहे थे, हठात उन्होंने देखा तुलसी की बाग देखा, लंकापुरी में तुलसी की बगीचा कहाँ से आ गया है, ये तो किसी भक्त घर में होता है, तुलसी की बगीचा देख कर उत्तर फिर देखा घर के सामने लिखा हुआ श्री राम, बोले अरे तो मेरे प्रभु का नाम, फिर देखा शंकर चक्र गदा पद्म, बोले तो सबके सब मेरे प्रभु का चिन्ह है, फिर उन्होंने सोचा मेरे को तो कोई भ्रमित नहीं कर रही, ये माया बुरी है ना, लंका है राक्षस बुरी है, मेरे को तो कोई भ्रमित नहीं कर रहे, फिर उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अंदर में घुसे, दिखाओ विभीषण लेटा हुआ और उसकी रोम रोम से श्री राम श्री राम श्री राम नाम निकल रहा था, ये पक्का पता क्यों,
कपट व्यक्ति की रोम रोम से कल प्रभु का नाम नहीं निकलता है। किसकी रोम रोम से नाम निकलेगा? जो जिसकी अंदर में पूरा ठाकुर पूरा समाया हुए हो है, तभी उसकी रोम रोम से भगवान की नाम निकलेगा। अभी बाहर आए हनुमान जी दरवाजा खटने का है, श्री विभीषण भगवान के नाम को लेकर के उठे और बाहर आकर के जब उन्हें देखे फिर दोनों के साथ में वार्तालाप हुई। अरे पता चला हनुमान जी कौन है, बोले प्रभु राम के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमान जी। जब विभीषण को ये बात पता चला तब विभीषण क्या कहता है, आज मोय भा भरसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुवीर मोय अनुग्रह किनी तो मोय दर्श चुकी। मतलब लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा है, क्योंकि ये लंका चारित्रक में राक्षस राक्षस है, लेकिन इसको बीच में भी भगवान की सबसे प्यारे भक्त प्रभु राम की हाँ उनका कोई छोटा भक्त दर्शन मिल जाए तो कोई सोच भी नहीं सकता है। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु का कोई कृपा है ठाकुर जी की है। मतलब मेरे को प्रभु मिल गए, भगवान मेरे को मिल गए हैं, मिल गए। क्यों? जब किसी शुद्ध साधु का दर्शन तुम्हें मिल जाए क्या समझने चाहिए, भगवान हमें बहुत जल्दी मिलने वाले, बहुत जल्दी मिलने वाले। इसलिए बोले ब्रह्मांड भ्रमित कौन, कौन मतलब जिसके पूर्वो पूर्व जन्म की बहुत सुकृति है, हैं? कौन भाग्यवान, वो कौन है, बड़े सौभाग्यवान, बड़े सौभाग्यवान होते हैं। फिर क्या होता है, बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। तब उन्होंने बताए भक्ति को एक लता बताया, लेकिन लता तभी होगा लेकिन जब बीज हो, बगैर बीज से लता हो ही नहीं सकता है। बोले वो बीज कहाँ से मिलेगा, बोले सब जगह से वो बीज नहीं मिलेगी। कहते गुरु कृष्ण, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। जब भगवान और भक्तों का कृपा होगा तभी वो भक्ति लता बीज तभी मिलेगा, तब नहीं तो ये नहीं मिलती हैं, हैं? वो नहीं मिलती है। यहाँ प्रश्न है, बोले भैया एक भक्तों से क्यों मिलेगा, भक्तों से हम क्या गीता भागवत नहीं पढ़ सकते, हम भी गीता भागवत जानते हैं, हम भी पढ़ लेंगे, पढ़ करके हम भक्ति कर लेंगे हैं। अरे ये साधु को पास में जाने का जरूरत किया है। हम कल सुन रहे थे जीव गोस्वामी कहते हैं ऐसे कुछ वृक्ष है जिस वृक्ष का बीज को अब डायरेक्ट लेके तो बोगे तो वृक्ष नहीं होगा है। कौन सा वृक्ष है, बट वृक्ष, उसको नियम है कोई चिड़िया खाए फिर उसको पेट में जाए, फिर जब बीट करेगा तब भी उससे पेड़ हो सकता है। इसका मतलब है जो भगवत नाम है जब किसी शुद्ध भक्तों के हृदय में जाए, जाने पर भगवान की मंत्र को जब करते करते एक दिन साक्षात भगवान स्वयं प्रकट होकर दर्शन देते हैं। जब उनसे हम भगवत नाम ग्रहण करते हैं फिर क्या होगा, फिर जाकर के हमारे हृदय में फिर वो काम करेगा, नहीं तो अपने आप पढ़ लोगे अपने आप कर लोगे उसमें नहीं होने वाले। इसलिए श्री महाप्रभु जब गया यात्रा में गए थे, चैतन्य महाप्रभु जब उनका गुरु श्री ईश्वरपुरी जी से उन्हें मिले, महाप्रभु क्या बोलते हैं, बोले प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, जत्सत्ण देखला चरण तुम्हार। महाप्रभु कहते हैं आज गया आना हमारी सार्थक हो गया। बोले क्यों, आज भगवान की शुद्ध भक्त का दर्शन हो गया, ईश्वरपुरी पाद का दर्शन हमें मिला है, आज हमारे तीर्थाना सार्थकता हो गया है। शिक्षा देते हैं तीर्थ जाना तभी सार्थकता अगर हमें कोई शुद्ध गुरु जी कोई शुद्ध वैष्णव जब मिले, ऐसे नहीं गए घूम घाम करके सारे तीर्थ में आए और आ करके फिर घर में आ करके बंगाल उड़ीसा में क्या होता है, एक महीना तक सारे तीर्थ घूमे घूम घाम करके आए आ करके बोलेंगे अरे बड़े दिन से मछली मांस नहीं खाए आज बढ़िया तीर्थ लाओ, मछली लाओ मांस लाओ मुर्गा लाओ
लाभ बढ़िया करके खाना बना वो तो हो गया। जैसे हाथी को जैसे तालाब में स्नान कराओ, जब स्नान उसका हो गया है फिर ऊपर आकर के सारे मिट्टी को लेकर के हर करके सारा शरीर में लगा, वो बेकार है, है बेकार है। इसलिए तीर्थ करना तभी सार्थकता है जब आपको तो तीर्थ फल साधु संग अंतरंग श्री कृष्ण भजन मनव, तभी तीर्थ जना सार्थकता है। अगर हमें तीर्थ में भगवान की कोई शुद्ध भक्त मिले, इसलिए भक्ति में साधु कहते हैं बोले गौर हमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हरी बामी प्रणय भकत सांगे शुद्ध भकत चरण भजन बोला है। इसलिए प्रेमी के रसी के भक्तों को साथ में तीर्थ में जाकर के उनकी महिमा को सुनो, नहीं तो क्या देखेंगे, अरे हमारे देश में भी बड़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंग यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, हमारा देश में भी बड़ी सुंदर रोड है, यहाँ पर क्या वृंदावन में नाली बह रही है, सूर्या घूम रही है, बैल इधर उधर घूम रहे, बंदर तो चश्मा उठा ले जाते हैं, हाँ? चश्मा निकाल कर ले जाते हैं, हमारा हाँ हमारे देश में भी बड़े सुंदर सुंदर गंदगी क्या सब गंदगी के रास्ता बन गया, सब यही यही चीज़ देख करके आए हैं, और कुछ उसको मिलेगा और बाकी बिहार मंदिर जाएंगे मेरे बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, बोले कैसे, बोले चाट मसाला बहुत गोल गप्पे खाए टिकिया खाए और एक ग्लास पूरा लस्सी पिए और आ गए बस हो गया, यही हो गया तुम्हारी वृंदावन, यही हो गया है, कहते नहीं इसको वृंदावन नहीं कहते जब तक हम शुद्ध भक्तों को साथ में नहीं जाए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं तभी गया जना सार्थकता है, तीर्थ जाना अगर हमें शुद्ध वैष्णव का दर्शन मिले, तो महाप्रभु कहते हैं तीर्थ पिंड दिले तरे सही जन तो माँ दर्शन मात्र कोटि पितृगण सही मैं भव मंद आए पूजा। तीर्थ जाने से क्या होगा, गया जाने से जिनके उद्देश्य में पिंड दिया उनको थोड़ी पाप खत्म हो गया और कुछ नहीं, लेकिन जब शुद्ध साधु का दर्शन हो जाए तो माँ दर्शन मात्र कोटि पितृगण, शुद्ध भक्तों का अगर दर्शन हो गया तो एक पितृ नहीं तुम्हारे करोड़ों पितृपुरुष उद्धार हो, अतएव तीर्थ न है तुम्हार समान, तीर्थ है भक्तों के बराबर तीर्थ को हम नहीं कर सकते हैं, बोले तीर्थ कुर्वन्ते तीर्थानि सान्तोस्तेन गदावृतम, साधु क्या करते हैं बोले तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, हैं जब भक्तों का चरण स्पर्श होता है तीर्थ में तीर्थ का सारे पाप को ग्रहण करके तीर्थ को पवित्र प्रदान करते हैं, और इतने साधु का महिमा इतने हैं इतने महिमा साधु दर्शन की, इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति का बीज हैं, गुरु कृष्ण कृपा से क्या होता है वो भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। कहते भैया यहाँ पर तो गुरुदेव से हमने मंत्र लिया, भगवान का नाम किसे लिया बोले गुरु जी से, लेकिन यहाँ कह रहे वो कृष्ण का नाम बताया गुरु कृष्ण बता दे, पर ये कृष्ण नाम कर तुम्हारे कृष्ण क्या किया, बोले यहाँ पर शिक्षा देते हैं जब तक हमें भगवान हमें शुद्ध जगह पर नहीं ले जाएगा ना तब तक हम किसी शुद्ध जगह पर नहीं जा सकते, इसके लिए उदाहरण दिया हनुमान जी, जब लक्ष्मण का शक्तिशील हो गया सुषेण वैद्य ने बताया अगर एक रात का अंदर कोई अगर गंधमार्दन पर्वत से विशल्यकरणी को लेकर के आए हैं अगर ला सकते हो लक्ष्मण बचने का कोई उपाय, हनुमान जी हैं हनुमान जी बोले मैं ले आऊँ, इतने में रावण गुप्तचर से पता लगा रहा था, बोले हनुमान विशल्यकरणी लेने जा रहा है, इतने में उन्होंने काल नेम को भेज दिया, बोले देखो केवल एक रात इसी तरह से तुम उसको रोक लो क्योंकि तुम माया विद्या में बड़ा निपुण हो हैं बड़ा निपुण हो, बस काल ने गया और राक्षस उन्होंने साधु का रूप धारण कर दिया, साधु का रूप धारण करके रास्ता में बैठ गया, बोले रघुपति राम राजा राम
पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बैठ कर तो भगवान का कीर्तन करना शुरू कर दिया। हनुमान जी ऊपर में उड़ते हुए जा रहे थे, बोले भैया बीच में मेरे गुरु भाई कहाँ से आ गए। इतने में हनुमान जी उतर गए। अब उसको तो सब कुछ बात सारी बात बता। ओहो तेरे को एक वैद्य ने भेजा ना, लक्ष्मण का शक्ति से लो हुआ दवा लेने के लिए। पहले से सब जानता है, मतलब ये तो पक्का साधु, ये तो पक्का साधु। लेकिन वो कपट था, है बोले जा नदी में नहा करके आओ और तुमको गुरु मंत्र दिखा दूंगा और तुमको ऐसे मंत्र बोल दूंगा ना एकदम फटाफट पहुंच जाओगे। लेकिन जब उसने नहाने के लिए गया इतने में मगरमच्छ इसको पकड़ा, खैर तो लड़ाई हुई। जब हनुमान ने मार दिया उसको सुंदर अप्सरी बनी है। उसने बताया हनुमान जी वो जो बैठा हुआ है ना रास्ता में साधु, वो साधु नहीं रावण का भेजा हुआ काल में भी बैठ गया, तेरे को जाने नहीं देगा इसलिए वहां रुकना नहीं है। हनुमान जी आकर के मार पिटाई किया उसको, फिर उसको मार करके फिर हनुमान जी यहाँ शिक्षा देते हैं। हनुमान जैसे व्यक्ति भी भ्रमित तो हो गए हैं। इसलिए इसका मतलब है जब तक भगवान कृष्ण हमें सही जगह पर नहीं ले जाते हम कभी स्वयं सही जगह पर नहीं जा सकते। भगवान हमें उपयुक्त जगह पर हमारी पूर्व जन्म की सुकृति को देख करके ही हमें ले जाएंगे हैं। बोले फिर क्या होगा, हमें फिर भक्ति लता बीज मिलेगा, तो फिर बीज मिलेगी। तो बीज क्या है, तो बीज क्या, बोले वो बीज है श्रद्धा। वो बीज क्या है, श्रद्धा हमें मिलेगा। बोले वो श्रद्धा बीज कैसे है, तो उसके लिए उदाहरण दिया है कहते अन्याभिलाषिता सुखम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुसरणम अत्युत्तम। कहते वो बीज क्या है, कहते जिसमें किसी तरह का कोई दूसरा अभिलाष नहीं, निष्काम भक्ति है। इसलिए अन्याभिलाषिता सुखम, जिस भक्ति में कोई अभिलाषा नहीं हो। इसलिए महाप्रभु कहते न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवता भक्ति हरि प्रभु। कई महाप्रभु कहते हैं वो जो बीज है जिसमें धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, पुत्र परिवार नहीं चाहिए, हमें दुनियादारी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, जन्म जन्मांतर में तुम्हारी चरण में कहा क्योंकि भक्ति तुम्हारी चरण में प्रेम है। ये जो चीज है यही श्रद्धा है, यही बीज है ना? यही बीज है ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। ज्ञान कर्म को थोड़ा तो घटा हुआ नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्म मतलब होता है कर्म मतलब जगत का है, जगत के लिए हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे और इसका द्वारा हम स्वर्ग जाएंगे, अमृत पान करेंगे, वहां पर खूब भोग भोग नहीं, ये इसको द्वारा ढका नहीं होनी चाहिए। और ज्ञान ज्ञान मतलब जो जीव चाहते हैं, अरे संसार में बड़े दुख कष्ट है बस ये आत्मा को परमात्मा में लीन कर हैं। नहीं ये दो चीज इसमें बाधा चीज है, इसके अंदर में ये धक्की नहीं होनी चाहिए। केवल निष्काम रूप में हैं कैसे भगवान को हम सुखी करें, हम कैसे भगवान को ही केवल सुखी, जो कुछ करे उसकी प्रीति विधान के लिए करे। तो ये इसका ये बीज है। इसलिए गुरुदेव क्या करेंगे, हमारा हृदय एक खेती है और ये खेती हमें ये बीज को उन्होंने बो दिया। लेकिन बो दिया तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ, कोई अगर बीज बो गए तो फिर क्या करना, पानी देना पड़ेगा। ऐसे ने बीज को बो दिया और छोड़ दिया पर तो सूख जाएगी, उसमें क्या करो, उसमें बीज ऊपर आएगा नहीं। हाँ इसलिए सब जानते हैं
उसमें पानी दो, उसमें पानी देनी चाहिए। बोले पानी क्या है? कहते श्रवण कीर्तन जल हरे सचन। उसमें दो चीज पानी के लिए बताया, श्रवण और कीर्तन, दो चीज करनी चाहिए उसे, है भगवान कथा सुननी चाहिए, उनकी रोज नियम करके कीर्तन करनी चाहिए। घर में सवेरे उठो, पहले उठ करके नहा दो, करके फिर क्या करो, तिलक लगाओ, है तिलक लगा कर उसके बाद में क्या करो, गुरु मंत्र को जप करो, तुलसी परिक्रमा करो, ठाकुर जी की आरती करो, तुलसी में पानी दो, है रोज घर में नियम करके अपना माला, गुरुदेव जो माला दिए हैं वो माला को जप करना। ऐसे नहीं गुरुदेव माला दे दिया और लटक रहा है, हर चूहे उसमें घोसला बनाती, इसलिए उसको उसको पानी देनी चाहिए, है पानी। फिर भगवान की कथा सुनो, वैष्णव का संग करो, हरी कथा सुनो, फिर तो धीरे 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 क्या होगा, वो धीरे 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 पहले एक अंकुर होगा, उसमें फिर दो पत्ते निकलेगा, फिर उसमें टहनियाँ निकलेगी, फिर वो धीरे 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 लता बढ़ेगी, धीरे धीरे वो लता बढ़ेगी। अगर श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, हैं पर भक्तों का संग नहीं करेंगे तो बस वो और आगे वो लता नहीं जाएगी, वो लता देखते से वह रह जाएगी। इसलिए हमें नित्य निरंतर वैष्णव का संग हमें करनी चाहिए, साधु संग करनी चाहिए। इसलिए बोले साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्वसुख। इसलिए कहते जीवन में साधुओं की संग हमें करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए और धीरे धीरे भक्ति के भाव को आगे हमें धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। फिर तो धीरे 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 वो लता बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, पूरा गोलोक वृंदावन चली जाएगा, हैं फिर ठाकुर का चरण को आश्रय ग्रहण करेगा, फिर तो उसमें बढ़िया बढ़िया फल आएगा, हैं जिसमें गुठली नहीं होगा, छिलका नहीं होगा और रसी रस। फिर तो बैठ कर क्या कर खूब खाओ, तो फल को बैठ बैठ करके खूब खाते रहेंगे, ठीक है। निताई गौर ब्रह्मानंद फिर हम कल सुनेंगे और उसको बाद में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हैं कैसे बाढ़ लगाओगे, नहीं तो बकरी गैया खा जाएंगे, बंदे बकरी गैया कैसे खा जाएगी, उसे बाढ़ लगाना पड़ेगा, तो बाढ़ क्या है, लोग बोलेगा कथा खत्म नहीं हुआ क्यों बंद कर दिया, हाँ बोल रहे हैं, हाँ तो होगी, फिर कल से सुन कल।